हेलो भाई, तो कैसे हो आप सब? आज सेकंड सैटरडे का दिन है और हमारी जो छुट्टी है आपका पता नहीं, लेकिन होपफुली आप लोग भी छुट्टी नहीं करोगे। हम मेहनत करते रहना तब तक सिलेक्शन जब ना हो जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक चीज़ दूसरा, ये चश्मे बढ़िया नहीं लग रहे हैं। ये ऐसे जैसे बाहर धूप में जाऊंगा ना तो डार्क कलर के हो जाएंगे, और यहाँ है ना, यहाँ ये नॉर्मल चश्मों की तरह नहीं है, स्क्रीन के लिए, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा ही बातें करता हूँ ना मैं, इसलिए। फिर उसके बाद क्या है कि आज लोगों को आपके लिए होमवर्क देने वाला हूँ, कुछ टॉपिक्स वो कंप्लीट करके, और शाम को फिर एक वीडियो डालूंगा, लाइव आएंगे, उसमें पूरे वीक का आपका वो लेंगे एनालिसिस की, आप लोगों ने कैसी तैयारी की, क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, अपने पीछे का दिखाएं, क्वार्टर के दिखाता ये हूँ। देखो देखो, देखो, ये बैकवर्ड पीछे के एरिया में पूरा ये कपड़े उपड़े, आज तो क्योंकि एक दो टीचर्स गए हुए ना, इसलिए बहुत कम कपड़े हैं। अदरवाइज यहाँ ना इतना वो सब, क्योंकि एक दो दिन मिलता है यार, संडे सैटरडे, तो उस दिन सभी अपने कपड़े उपड़े डाल देते हैं। और देखो यार, इतना गजब धूप आती है ना, क्या माहौल बनता है यहाँ। और ये पीछे हमारा क्वार्टर है, हमारी माता श्री आई हुए हैं, तो इसलिए 24/7 आपको मशीन चलती ही मिलेगी, जो चीज़ें धो रखी हैं वो भी दोबारा धोती ही मिलेगी। अब आप लोगों के लिए होमवर्क सुन लो। होमवर्क क्या है कि देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने तीन सब्जेक्ट्स, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनसे सारे सब्जेक्ट्स एक ही दिन में हैंडल नहीं होते होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत चीज़ नहीं इसमें, और ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ उसके लिए क्या करना, पहली चीज़ ये रखना, दो तीन सब्जेक्ट है, जैसे पेडागोजी 60 मार्क्स की आएगी, इसको प्रायोरिटी बेस पर करना ही करना है। दूसरा आपकी इंग्लिश 30 मार्क्स की आएगी, तीसरा आपकी EVS, और चौथा मैथ। ये चार सब्जेक्ट हैं जिन्हें किसी भी कोस्ट पे बिल्कुल मत छोड़ना, डेली बेसिस पे करना, प्लस पेडागोजी और इंग्लिश, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तभी फ्रूटफुल होंगे वो, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना ज़्यादा। तो ये दो तीन चीज़ें मेरी तरफ से ऐड ऑन कर लेना इसमें, और बताना फिर आज आप लोगों का पूरे दिन का क्या रूटीन है। हम मेरा ये रूटीन होने वाला है, अभी तो उठाऊँ मैं, बल्कि थोड़ी तबीयत ख़राब सी हो रखी थी मेरी रात को, और अब क्या आएगी, अब हवन करेंगे थोड़ी चाय। तो भाई अंदर आ चुके हैं वापस से। अब देखो, आप लोगों के लिए स्पेशल एक चीज़ हम इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पेडागोजी स्पेशल बैच की तरह काम करेगा वो। उसके अलावा मैथ्स जिनका कमज़ोर है, मैथ्स की तो बिल्कुल गारंटी लेते हैं कि 20 में से आपके 18-19 नंबर आएंगे ही आएंगे, चाहे कितना ही कमज़ोर हो। ऐसा एक स्पेशल मैथ्स का बैच, और पेडागोजी और साइकोलॉजी स्पेशल बैच, ऐसी जगह से सोर्सेज है हमारे बुक्स के। आपको किसी भी तो बड़े से बड़े लेखक की पढ़ लेना, कहीं से कुछ पढ़ लेना, लेकिन वैसा कंटेंट नहीं मिल पाएगा जैसा हम देंगे, ठीक है? तो ऐसा एक स्टार्टिंग हमारे तरफ से होगी, तो आप लोग उसका लिए सुझाव देना, कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। देखो, जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट आपकी तरफ से भी होंगे वो, ठीक है ना, कुछ फ्री में तो होगा नहीं यार, ठीक है? तो लेकिन जो भी डिटेल्स होंगे वो हिमांशु सर और मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इतना होगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा और वर्थ इट होगा, ठीक है? बिल्कुल ना के बराबर आप लोगों के ऊपर बर्डन पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपना आज का क्या रूटीन रहने वाला वो प्लीज बताना, ठीक है? मैं भी अब हवन करके और फिर उसके बाद पढ़ने बैठूंगा, और आप लोगों के लिए पेन टेप वगैरह सब कुछ मंगवा चुके हैं हम, और आगे का धमाका रचते हैं, फिर केवी में आतंक मचा देंगे बिल्कुल सब। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत माता की जय, जय श्री राम।